हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 31 अक्टूबर 2019 है, आज का एक्सपायरी हो चुका है, पॉजिटिव नोट के साथ हुआ है। अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाए होंगे, आज भी देखेंगे तो 1700 करोड़ का कुछ FII ने बाइंग किया है। FII कंटिन्यू बाइंग कर रहा है और एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। आज जो स्क्रिप्ट लेके आया था वो येस बैंक लिमिटेड था। मैंने आपको बोला था मंथ एंड में आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना जरूरी है। आप मेरे लास्ट वीडियो को जाके देख लीजिए, ने क्लियर बोला था कि ये मंथली बेसिस पे अप ट्रेंड चालू कर देगा और हर मंथ में एक नए ट्रेंड को लेगा। और उसी बात में मैं आज भी बोल रहा हूँ। ये जरूर है कि आज एक न्यूज आया कि 1.2 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने को तैयार है, 1.2 बिलियन डॉलर का, और उसके चलते इसमें न्यूज आया। और कल जो फाइनेंशियल आएगा रिजल्ट, वो खराब आएगा, तो हो सकता है कहीं आपको डिप देखने को मिले। तो आपको वरी नहीं करना, आपको उसको इस पर इन्वेस्टमेंट करना है। वरी पोजीशन, अब इसमें घबराने की पोजीशन खत्म हो चुकी। ये 60 अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 60 लास्ट महीने का इसका हर्डल था, वो अब ये मिस अक्टूबर का हर्डल था, इसने आज क्रॉस कर दिया। आज हाई भी 78 का बना दिया, अच्छा खासा ये अपसाइड दिखाया आज। अब 78.70 का हाई बनाया, जहाँ 54 पे था। आज किसने भी मॉर्निंग को भी ओपन किया होगा तो अच्छा खासा गेन लिया होगा। और मैं तो 32 से बोला हूँ आपको पोजीशन बनाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी नहीं बनाए हैं, अभी भी 60 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन बना लीजिए। अभी भी हो सकता है ये आपको 105 तुरंत दिखाए और 105 के बाद 139, 140, 150 तक जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, 60, 90 और 140 एक वही कंटिन्यू रहने वाला है। अभी यहाँ से जो दिख रहा है थोड़ा और पॉजिटिव है, तो 105 तक भी जा सकता है। इस तरह 82 पे देखेंगे डेली बेसिस पे, तो उसका एक्सपोनेंशियल लेमा है डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं 84.40 पे है और उसके बाद 108 पे है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपको 108 150 दिन का डेमा जाएगा और 129 पे 200 दिन का डेमा है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। 60 क्यों क्रूशियल लेवल था? 60 देखेंगे तो डेली बेसिस पे इसका 60.137 जो था, 50 बेसिस पे इसका डेमा था, इसलिए क्रूशियल था। और ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ये देखिए वॉल्यूम का लेवल, ये वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम बनाया है, वॉल्यूम के लेवल के साथ ये आज 60 के लेवल को क्रॉस किया है और हाई बनाया 76.80 का, और लो था इसका जो 55 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं यस बैंक एक अच्छा स्क्रिप्ट के रूप में था, लेकिन ये न्यूज आया था यस बैंक सेल्स जून सुबह 24% ऑन 1.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट बच। वो आ गया कि दी बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट वाज नाउ रिसीव्ड ए बाइंडिंग ऑफर फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 बिलियन यूएसडी इन द बैंक थ्रू फ्रेश इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर। It said on Thursday, last month, not today, as Thursday. Last month, the bank had informed Stock Exchange that it had received a strong interest from multiple foreign as well as domestic private equity and strategic investors for the capital raise, and remained firmly on course of raising growth capital subject to necessary approval. ये news आया market में और आज ही 3500 करोड़ का उसको फायदा हो गया। कैपिटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका आज ही 3500 करोड़ से बढ़ गया और 17,976 रुपये पे जाके क्लोज मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया। तो आज भी जो देखेंगे इसका वैल्यूएशन P31 है, इंडस्ट्री P38 है, बुक वैल्यू 105 का है, तो 105 तो इसको रहना ही है। इसलिए मैं 105-106 बोल रहा था आपको, ये जब बुक वैल्यू इसकी इतना आप इसको मान सकते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपया का, डिलीवरी 12% दिखा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीवरी में समझने का। 12% इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने करोड़ का डिलीवरी हो रहा है। आप देखिएगा तो 4 करोड़ 7 लाख, 3 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़, आज देखिए 10 करोड़ 12 लाख की डिलीवरी हुई है। टोटल 83 करोड़ का ट्रेड हुआ है और 10 करोड़ का डिलीवरी हुआ है। ये कमिंग वीक्स में भी नहीं रुकने वाला है, हो सकता है। और आप देखेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज के कंपेरिजन में भी देखेंगे तो बहुत ही हाईली जंप किया, हाई जंप किया इसने। जहां वॉल्यूम वेटेड एवरेज को इसको क्लोज करना था 67.82 पे, वहां जाके 3-4 रुपया ऊपर जाकर के 70.40 के वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे क्लोज किया है। तो हर चीज अच्छा है, 23% का गेन है। आप सोचिएगा मैं ये बता रहा हूँ कि अब तो छूट गया, अब तो सभी बता रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग बता रहे होंगे।
मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 70-40 हो गया और 23% का गेन हो गया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहां से ये डबल होने वाला है, ये 70 से 140 होने वाला है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। 60 का स्टॉप लॉस जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि 60 के स्टॉप के पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको वापस 30-45 के आसपास। मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, ये आपके पोर्टफोलियो में होना अनिवार्य है। अगर आप पहले भी मेरे वीडियो को देखे रहते तो जरूर पोर्टफोलियो, मैंने मिनिमम 1000 शेयर बोला था कि कुछ भी नहीं करो तो 1000 शेयर इसका रख लो, और उसको ये भी बोला था कि 500 बेचना, 500 डिलीवरी में होल्ड ही होना चाहिए, प्रॉफिट गेन करते रहो। तो आप किसी भी तरीके से इसको अगर रखे होंगे तो आपको फायदा हुआ होगा। चलिए, मैं ये नहीं बोल रहा, अभी वापस सेम काम कर सकते, वापस इस पोजीशन पे भी आपको चाहें तो 1500 आप शेयर उठा लें इसको, या कॉल में भी दिसंबर के कॉल को ट्राई कर सकते हैं, 100 का, नवंबर का नहीं कीजिए, दिसंबर का कीजिए। चलिए, वो तो बाद में देख लेंगे, अभी क्या दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है कि यहाँ पे RSI जो है, अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे देखूँ तो 34 है। मंथली बेसिस पे इसलिए देखने की जरूरत है कि पूरे मंथ में ये क्या करेगा, और जस्ट ये अभी देखेंगे यहाँ ऊपर जाना बाकी है इसको, तो नवंबर मंथ इसके लिए अच्छा हो सकता है, नवंबर मंथ ये अच्छा आपको वॉल्यूम दे सकता है, ये ऐसा समझ में आ रहा है। और अगर ये क्रॉस करता है तो नवंबर में 92.45 के आसपास आपको क्लोजिंग दे सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया तो 110 तक जा सकता है, 92 और 110, मैं 100 के आसपास आकर के यहाँ पे ये नवंबर में लटक सकता है। तो अगर 70 पे भी लेते हैं और कल रिजल्ट खराब आएगा, हो सकता है कि और भी लॉस NBA बुक करे, लॉसेस हो, तो ये आपको लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा बिलीव है कि अब जो है ये अब 60 के लेवल को शायद ही तोड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे ये 60 का लेवल नहीं तोड़ेगा, अगर डिप लेगा भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगा 100%। मेरे अंदाज से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए इसके लिए, और अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए, नहीं तो पेपर ट्रेड करके देखिए क्या होता है, देखते हैं। इसमें बहुत लोग शॉर्ट पोजीशन भी बना के बैठे थे, तो देखेंगे रेट बढ़ रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। जो भी लोग 60 के स्टॉप लॉस से बना रखे थे, इसको स्टॉप करके रखे थे, वो सब ने अपनी पोजीशन को एग्जिट की है, और सब लोग कॉल की ओर मूव किए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग में 11,99,000 शेयर है, क्वांटिटी है, जबकि सेल में सिर्फ 2,00,000 शेयर है, मैं सेल के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अब जो भी हैं बाइंग के लिए। अगर मैं यस बैंक के 70 नवंबर की अगर एक्सपायरी को देखूं, तो अगर 100-105 में भी देखेंगे तो पोजीशन बढ़े, और 100 पे तो 50,00,000 का पोजीशन आज ही क्रिएट हुआ है, जबकि आप देखिए 37,00,000 का पोजीशन और 49,00,000 का पोजीशन आज ही शॉर्ट पोजीशन 70 पे बन रहा है और 60 पे बन रहा है, मतलब अब ये 60 के नीचे और 70 के नीचे इनको 67,00,000 शेयर है तोड़ने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो मुझे नहीं लगता है कि अब 60 टूटेगा, क्योंकि 67,00,000 का ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, वाई पड़ा है। और आज अच्छी बात है कि 70 पे भी 37,00,000 का लोगों को है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, तो और 70 पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पे 80 रुपीज का कॉल 7.85 पे मिल रहा है, अगर आप इस पे थोड़ा वॉच रखें, और कल अगर रिजल्ट के चलते ये डाउन गया, आज देखिए ये 2 रुपये का था, 2200 का लॉट होता है, अगर आपने इस पर पोजीशन बनाई होगी या बनाएंगे, तो हो सकता है कमिंग डेज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते हुए दिख सकता है। स्ट्रिक्टली 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, अगर वो 60 रुपीज़ के नीचे मेंटेन करता है तो 45 की ओर जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आज मंथेंड था, एक्सपायरी था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी कारण से भी 60 नीचे जाना चाहिए, जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। आपको बाय रखना है पोजीशन, बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, स्टेज वाइज कीजिए, चाहे जैसे भी करना है, ये कमिंग डेज में 240 कभी भी आपको दिखा सकता है। तो आज 70-80 रुपये पे ये मिल रहा है, 240 रुपीज़ मैंने कितने टाइम्स होता है आप निकाल लीजिए, और यहाँ से ये जाने का पूरा दम लगता है। तो मुझे लगता है इसमें आपको होल्डिंग पोजीशन बनानी चाहिए, रखना चाहिए पोजीशन, और 2 रुपया लो है, 7.85 का है, 5.30 का है, 5.30 रुपये सर 2200 का लॉट है, तो कोई भी इस पर पोजीशन बनाएंगे तो आज ही 10,000 रुपया कमा लिए होंगे। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक लॉट की बात है। तो मुझे लगता है यस बैंक पे एक पॉजिटिव सिग्नल है, कमिंग डेज में डेली बेसिस पे जो है मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मिल रहा है ये 60 क्रॉस कर चुका है 50 का, तो ये 184 का और 150 जो है 108 का क्रॉस करते हुए आपको इस महीने में
नहीं तो ट्राई करते हुए भी दिख सकता है। 108 तक का प्राइस आपको इस महीने में नवंबर में देखने को मिल सकता है और दिसंबर में वापस आपको 129, 130, 140 तक जाते हुए दिख सकता है। तो मुझे लगता है कहीं पहला ट्राई करेगा 84 और 84 के बाद 129 जो है 108 ये ट्राई करेगा इस महीने में और यहाँ से 129 की ओर अगले महीने में ट्राई करते हैं। तो 70 और 129 में डबल होने वाला है यहाँ से। आप ये मत सोचिए कि 35 से 70 हो गया, आप ये सोचिए 70 से 140 होने वाला है। और वॉल्यूम से आप खुद समझिए कि इतनी वॉल्यूम कितनी आज तक कितनी वॉल्यूम देखिए इक्विवेलेंट टू ये जहाँ जो सेल था उससे भी ऊपर गया हुआ है। ये हाईएस्ट सेल इस तारीख को बना था उससे भी ऊपर गया हुआ है, यहाँ के सेल के वॉल्यूम से भी ऊपर गया हुआ है। कहीं ना 20 तारीख को ये सेल हुआ था। तो अच्छा एक सेल पैटर्न है, अच्छा बाइंग पैटर्न है। मुझे लगता है यस बैंक में आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, पोजीशन बनाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई भी पोजीशन बनाए तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर से जरूर बात कर लें। मेरे कहने से कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। ओपिनियन गलत भी हो सकता है, चांसेस नहीं होगा लेकिन हो भी सकता है। इसलिए पेपर ट्रेड करें, वॉचलिस्ट रखें और अपने पोर्टफोलियो में हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।